पूरे उत्तराखंड में इस वक्त एकास पर्व की धूम है और बड़ा महत्व है इस पर्व का और हर उत्तराखंडी इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में अपने आवास पर एकास पर्व को लेकर काफी भव्य आयोजन किया था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनिल बलूनी को एकास पर्व के आयोजन पर पत्र लिखकर बधाई दी। दिवाली के 11वें दिन मनाए जाने वाले इस लोक सांस्कृतिक पर्व उत्तराखंड की लोक संस्कृति की एक बड़ी परंपरा रहा है जिसे हर उत्तराखंडी बड़े ही धूमधाम से मनाता है और इसके लिए पहले से काफी तैयारी होती है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जब अपने आवास पर एकास पर्व का आयोजन किया तो कई जानी मानी हस्तियां इसमें शामिल रही। इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो बेहद ही अलग अंदाज में नजर आए और उत्तराखंडी गानों ने आयोजन में समा बांध दिया। बलूनी के आवास पर एकास पर्व को लेकर विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। और आपको ये भी बता दें कि मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण आस्था में हो गया। एकास पर्व को लोगों के लिए बीच लोकप्रिय बनाने के लिए बीजेपी सांसद अनिल बलूनी काफी दिनों से मुहिम चला रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर एकास पर्व पर अनिल बलूनी को तमाम शुभकामनाएं दी जिसके बाद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की पहचान कराता एकास पर्व जिसका आगाज हो चुका है और दिल्ली में भव्य आयोजन से बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामाजिक संदेश भी इस पर्व के द्वारा लोगों को देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आज एकास के पर्व को जिस तरीके से हर उत्तराखंडी ने बेहद धूमधाम तरीके से मनाया ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दिवाली के 11वें दिन तक मनाया जाने वाला ये लोक पर्व एकास बग्वाल और आज उल्लास के साथ पूरे उत्तराखंडी इसे मना रहे हैं जिसमें भैलों और पारंपरिक नृत्य के साथ पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू गांव ही नहीं बल्कि शहर तक महकेगी। इस मौके पर पहाड़ से लेकर मैदान तक अनेक कार्यक्रमों का खूब आयोजन हुआ। उत्तराखंड सरकार ने एकास पर्व पर अवकाश भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को एकास पर्व की शुभकामनाएं दी। तो इस वक्त उत्तराखंड में एकास बग्वाल की धूम चल रही है। देश भर में बधाई संदेश उत्तराखंड वासियों को मिल रहे हैं। तो उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की परिचय करवाने वाले इस एकास पर्व का आगाज हो चुका है और दिल्ली में भी देखिए इसका धूमधाम से आयोजन किया गया। विशेष रीति से इसकी पूजा अर्चना हुई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इसके अलावा तमाम दिग्गज बीजेपी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। उपराष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे। आयोजन में तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको ये भी बता दें कि मनोज तिवारी के गीतों ने समा बांध दिया। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को एकास पर्व को बड़े ही धूमधाम से